देता हूं, सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अमेरिका के दो कंपनी आए हैं, पेप्सी कोला कोका कोला, दोनों मार्केट में 14 साल से जहर बेच रहे हैं, ये सिद्ध हो गया। 1997 से तो हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। मैं 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में कह रहा हूं लहर पेप्सी नहीं जहर पेप्सी है। 1997 से हर पब्लिक मीटिंग में मैं कह रहा हूं कि ये ठंडा नहीं है टॉयलेट क्लीनर है। लेकिन पिछले साल भारत की सभी बड़ी प्रयोगशालाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर है और वो जहर है, प्रयोगशालाओं ने सिद्ध कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये जहर है और ये भी कहा कि ये टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। CFTRI तो ये कहता है कि पेप्सी कोक टॉयलेट क्लीनर से भी ज्यादा खराब है। दूसरी लेबोरेटरी CSE, उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर भारत सरकार की लेबोरेटरी CFL, उन्होंने सिद्ध कर दिया। भारत की 5-6 लेबोरेटरीज और सभी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं कि पेप्सी कोक जहर है, 14 साल से इस देश में बिक रहा है, लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई एक्शन लेने की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तक NDA सरकार चल रही थी जिसमें बहुत ज्यादा लोग स्वदेशी भक्त हैं और स्वदेशी के नारे लगाने वाले हैं, उनका भी एक्शन लेने का हिम्मत नहीं था पेप्सी कोक पर, और उनके भी मंत्रियों ने पेप्सी कोक को क्लीन चिट दिया पार्लियामेंट के अंदर। अभी MPA सरकार आ गई है, उसकी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है पेप्सी कोक के खिलाफ कोई। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जहर बेच रहे हैं 14 साल से, और भारत के किसानों ने सिद्ध कर दिया है। भारत के बहुत सारे गांव के किसानों ने पेप्सी कोक स्प्रे किया है और सब कीड़े मर गए हैं, सब जंतु मरे हैं फसल के, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पेस्टिसाइड है, पेप्सी कोक नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ये सब कुछ सिद्ध हो जाने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत नहीं है कि पेप्सी कोक का लाइसेंस कैंसिल करे। अभी तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सबने कह दिया। 97 में जब हम ये बात कहते थे तो लोग हमें पागल कहते थे, अब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हाई कोर्ट ये कह रहा है, CFTRI ये कह रही है, CFL ये कह रही है, सभी साइंटिफिक बॉडीज ये कह रही हैं कि ये पेप्सी कोक नहीं है, जहर है, क्योंकि उसमें DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, मेलाथियन है, क्लोरोपाइरीफॉस है, ये चारों खतरनाक कीटनाशक पेप्सी कोक में मिले हुए हैं और हमारी शरीर की क्षमता से 87 गुना ज्यादा है। माने हमारे शरीर की जो टॉलरेंस लिमिट है उससे 87 गुना ज्यादा जहर पेप्सी कोक थम्सअप में है, ये रिपोर्ट कहती है। तो भी सरकार की हिम्मत नहीं है लाइसेंस रद्द करने की। आप सोचिए कि जब दो अमेरिका की कंपनी के खिलाफ भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो हजारों अमरीकी कंपनी अगले साल से घुस जाएगी, भारत सरकार क्या करेगी? दो के खिलाफ कुछ नहीं करने की हाल हिम्मत है उनकी, जो सिद्ध हो गया है कि ये जहर बेच रहे हैं। तो सरकारों की हिम्मत और ताकत तो इन कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं है, और ऐसी कंपनी आके भारत पे अगर छा गई तो सारा रूल तो वो करेंगे, रेगुलेशंस वो बनाएंगे, कानून वो तय करवाएंगे, संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो तय करेंगे, सरकार तो कुछ नहीं, सरकार तो पपेट हो जाएगी, कठपुतली हो जाएगी उनके हाथ की।